वेलकम टू वन लर्न क्लास। टुडे आई एम टीचिंग यू ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन वॉइस। वॉइस मीन्स एक्टिव और पैसिव दोनों में ही आप परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का एक्टिव और पैसिव हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना आप बताया जा रहा है। फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव में लिखा हुआ है, तुम यह कार्य पहले ही पूरा कर चुके हो। आप मालूम है चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, तो इसको बना दिया गया यू है ऑलरेडी। पहले ही की अंग्रेजी होती है ऑलरेडी। यू है ऑलरेडी कंप्लीटेड योर वर्क। मालूम है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी एडवर्ब है ये, और कंप्लीटेड मेन वर्ब का थर्ड वर्ब और योर वर्ब ऑब्जेक्ट। अब जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखो तुम यह कार्य पहले ही कर चुके हो, इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह पर, इसको प्रमुखता दी गई। जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी जाती है। जो यह कार्य ऑब्जेक्ट के रूप में ऊपर दिया गया तो इसको सब्जेक्ट बना दिया गया। और उसको कैसे बनाया गया, यह कार्य तुम्हारे द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है। इसको हिंदी में इस तरीके समझने की कोशिश है, यह कार्य मतलब ऑब्जेक्ट से इसको बनाया गया, कैसे क्या क्या परिवर्तन होता है इसको हिंदी में आज समझेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे देखेंगे। अब इसी हिसाब से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दिया गया, दिस वर्ब और हैज हैव को यहाँ हैव लिखा था, चूंकि यू के अनुसार जब यहाँ दिस वर्ब आ गया सिमिलर सब्जेक्ट, तो सिमिलर सब्जेक्ट के हिसाब से हैड बीन का प्रयोग हुआ, लेकिन हैड बीन के बीच में ऑलरेडी एडवर्ब का प्रयोग किया गया। तो दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड बाय यू, यह कार्य तुम्हारे द्वारा पहले ही पूरा किया जा चुका है। ये पैसिव वॉइस में हो गया। मेन चीज़ थी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के जगह बाय लगा करके, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह रखा गया, और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव को हैज बीन में चेंज किया गया, ये इसमें हुआ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव पैसिव हुआ। अब आप देखिए प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का एक्टिव पैसिव कैसे होगा। पहले एक्टिव देखते हैं, सूर्य उदय होने के पूर्व माता जी भगवान की पूजा कर चुकी थी। अब देखिए इसमें लगता है कि सेंटेंस बहुत बड़ा है, लेकिन सेंटेंस बड़ा जरूर है, इसमें हम ध्यान देते हैं जो कार्य पहले हो रहा है उसको पहले बनाएंगे, उसी पास परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होगा। बाद वाले ये इस क्लास का इससे जैसा है वैसे ही रख दिया जाता है। तो इसको देखो, मदर हैड वर्शिप्ड द गॉड बिफोर द सन रोज। ये रोज जो है ये वर्ब का सेकेंड पार्ट है, ये सिंपल पास्ट में है बिफोर के बाद वाला क्लास, और बिफोर पहले वाला क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसी क्लास का जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना है। सूर्य उदय होने के पूर्व माता जी के द्वारा ईश्वर की पूजा की जा चुकी थी, ये हिंदी में किस तरीके से परिवर्तन होकर के और ऑब्जेक्ट से, मतलब ऑब्जेक्ट को प्रमुखता दी गई ईश्वर की पूजा, ये ऑब्जेक्ट ईश्वर की पूजा जो है ये। तो इसको देखिए, द गॉड हैड बीन वर्शिप्ड, ईश्वर की पूजा की जा चुकी थी माता जी के द्वारा, बाई मदर, और सूर्योदय के पूर्व, इसका जो पहले ऊपर लिखा था वैसे बिफोर द सन रोज जैसा ऊपर लिखा था वैसे उतार दिया गया। केवल इतने सेंटेंस का, मदर हैड वर्शिप द गॉड, इतने का ध्यान दिया गया। द गॉड ऑब्जेक्ट है चूंकि, तो द गॉड से इसको बनाया गया, स्टार्ट किया गया, हैड को हैड बीन बदल दिया गया, वर्ब का थर्ड पार्ट भी है तो पहले इसमें भी लगा, इसमें भी होता है, बाई लगा दिया गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की रख दिया गया। बहुत सरल है, और आप जो है ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है, और आप देख रहे हो जैसे यहाँ चुका है, चुकी है लिखा, यहाँ चुका था, चुकी थी, यहाँ चुके होंगे, तो ये पास्ट में थी, प्रेजेंट में हो, इसमें होंगे, तो इनसे भी पहचान हो जाती टेंस की। तो इसमें देखिए, अगले दो घंटे में तुम यह पाठ पढ़ चुके हो।